हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू के कटलेट्स। तो आलू मैं ले रही हूँ, अगर मैं इस साइज़ के आलू लिए बड़े वाले तो मैं 6 अदद लूँगी। अगर मैं मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ तो 8 से 10 आलू लूँगी। और फिर हम इसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करके पील करते हैं, और फिर इसमें मसाले क्या डालते हैं दिखाते हैं। उबालने के बाद हम इसको पील कर लेते हैं। अब हमारे आलू ऐसे लग रहे हैं। मसाले के लिए मैंने लिया 1 पिंच टाटरी, और 1 पिंच मैंने लिया है काला नमक, और चाट मसाला 1 चमचा, 1 चमचा मैंने लिया है लाल मिर्च, अनारदाना 1/2 टीस्पून मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें टाटरी डालना डाल सकते हैं, अनारदाना डालना चाहें डाल सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। और मैंने लिया है 1 चमचा कुटी हुई मिर्चों का, और गरम मसाले का मैंने आधा चम्मच लिया है, 1 चमचा नमक का। गरम मसाला भी ऑप्शनल है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो उससे और यमी टेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं। 1 चुटकी मैंने अजवाइन की ली है। अजवाइन को मैं अपने हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ, यानी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा क्रश भी नहीं हो, थोड़ा सा क्रश हो जाएगा। ये हमने मसाले में डाल दिया। आप आलू को हाथ से भी मैश कर सकते हैं, और मिक्सर में भी डाल के मैश कर सकते हैं। 1 मिनट। 1 चमचा बटर का डाल रहे हैं, 1 हम डाल रहे हैं प्याज बारीक कटा हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी है इसमें। मसाले भी सारे हम डाल देते हैं इसमें। 2 चमचे हम इसमें डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्ब के भी। आप चाहें तो कोई चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ। हम ऊपर कोटिंग भी करेंगे ब्रेड क्रम की और अंडे की। 1 अदद अंडे को हमने फेंट लिया, और ब्रेड क्रम हमने डाले प्लेट में। अगर आप चाहें तो ओरिगानो थोड़ा सा डाल सकते हैं, या पार्सले हल्का सा डाल सकते हैं। विदाउट पार्सले ओरिगानो भी हमारा काम चलता है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया हमारा मटीरियल। तो हम इसके बनाते हैं कबाब। तो पहले मैं थोड़ा सा अपने हाथ को ग्रीस करूंगी, फिर हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथ को हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। फिर हम ले रहे हैं अपना मटेरियल, 1 बड़ा चमचा, और मैं इसको बड़ा कबाब बनाऊं या छोटा तो उसके मुताबिक मैं ले लूँगी। मैंने इसको थोड़ा सा कम किया। हम इसको गोले की शक्ल में, गोल शेप में बनाएंगे, और फिर थोड़ा सा हम हल्का सा इसको दबा देते हैं, और चारों तरफ से हम अपने फिंगर से, हाथ से एक जैसा कर लेंगे। हमारा बहुत अच्छा कबाब बन गया। हमने सारे कटलेट्स बना के रख दिए। अब अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, और फिर हम अपने फ्राई पैन में शैलो फ्राई करेंगे। हमने 1 चमचा ऑयल का डाला है, और अंडे में और ब्रेड क्रम हम अच्छे से लगाएंगे दोनों तरफ इसको, और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से थपथपाएंगे, एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम उतर जाए, और इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। हम दूसरी साइड से इसको फ्लिप कर देते हैं ताकि दोनों साइड कुक हो जाए। जबरदस्त हमारे कटलेट्स तैयार हो गए। देखिए दोनों तरफ से कितने ज़बरदस्त कुक हो गए। इसको एंजॉय कीजिए, और हम इसको चावल के साथ खाने वाले हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।